बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं लाल खान हूँ। दो तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दूसरी सुप्रीम कोर्ट से और तीसरी PTI और इमरान खान के बारे में। ये बहुत ही अहम और तगड़ी ख़बरें हैं जो कुछ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के ख़त के ऊपर लाइव जो कल चली, ये हेयरिंग चली, उसके अंदर क्या कुछ होता रहा, काजी फ़ायज़ ईसा क्या करते रहे, और जो उनका फिक्स मैच था कैमरे में कैसे आया, कैसे कैमरे में पकड़ा गया, और उसके ऊपर PTI और बाकी वकला का क्या कहना है, ये पूरी डिटेल ज़रा आपके सामने रखते हैं। कल बहुत बड़ा अहम दिन था। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफ़र केस लगा हुआ था इमरान खान का, और जिसमें कल PTI के वकला ने ऐसे तगड़े बयान दिए कि जजेस को ख़ुद कहना पड़ गया कि भाई अब साइफ़र केस के अंदर हाथी गुजर गया है, सिर्फ यानी कि आपने हाथी गुजार लिया है, बाकी कुछ बच गया, यानी कि बाकी पूछल रह गया, हाथी निकल गया है। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता रहा जजेस के ख़त के मामले के ऊपर, जो 7 रुकनी बेंच बना, लार्जर बेंच, उन्होंने जो कल संवाद शुरू की, तो उसकी जो 2 घंटे सवा 2 घंटे की जो हेयरिंग हुई लाइव सेशन, उसके अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की 1.25 घंटे की तो अपनी तकरीर थी, पहली बात। लेकिन उसमें था क्या, वो सारी तकरीर के दौरान सिर्फ जो अगर मैंने जो लबोलबाब निकाला उनकी तकरीर का, वो सिर्फ अपनी सफाइयाँ देते रहे। देखें जी, ख़त कल एक दिन पहले आया तो मैंने दूसरे दिन ही उसी दिन शाम को रोज़े की हालत में मैंने स्टैंड ले लिया, फिर मैंने ये मीटिंग की तो मैंने फिर 7 रुकनी बेंच बना दिया। देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, आजकल सोशल मीडिया से बहुत तकलीफ़ है काजी फ़ायज़ ईसा को कि उन्होंने देखो गलत प्रोपेगंडा किया है, गलत खबरें दे रहे हैं। उधर ये वो शख्स है जो कहता था मैं सोशल मीडिया देखता तक नहीं हूँ, आज वो शख्स सोशल मीडिया के अपना पीछे पड़ा हुआ है कि जी सोशल मीडिया सोशल मीडिया। बहरहाल उस तकरीर के दौरान ज़्यादातर अपनी सफाइयाँ दी, बाकियों को टाइम बहुत कम मिला वकला को, और लेकिन अटॉर्नी जनरल को टाइम ज़्यादा दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब आए, उन्होंने अब भी अपनी हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी दौरान जब काजी फ़ायज़ ईसा अपनी सफाइयाँ दे रहे थे और अटॉर्नी जनरल अपनी तकरीर झाड़ रहे थे और हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब वो बोले। जब वो बोले हैं तो उन्होंने वो जो उसकी 2 से 2.5 मिनट की बात थी ना, यकीन करें कि वो पूरी हेयरिंग के ऊपर भारी थी, और लग समझ गया काजी फ़ायज़ ईसा को कि वाकई कोई जज टकरे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो ये कमेटी वाली जो 1 रुकनी बेंच वाली ये हुकूमत के साथ गठजोड़ काजी फ़ायज़ ईसा ने किया था, इसके ऊपर जजेस खुश नहीं थे, ये अंदर सारे जजों का मुतफ़क़ा फ़ैसला नहीं था। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि हम ऐसा क्यों अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि हम ये तासर देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़ौरन से उसे टोकना शुरू कर दिया कि जी आप ये न समझे कि मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, ये मेरे मुतालिक बात है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे बात पूरी करने दी। उन्होंने कहा सबको पता है अदालतों के अंदर इंट्रियाँ होती हैं, अदालतों के अंदर मुदाखलत एजेंसियों की होती है, पहले भी होती थी, अब भी होती है, और इस टाइम तक हो रही है। जजेस का ख़त ये बात का वाज़े दलील और सबूत है कि आज भी एजेंसियों की और ताकतवर हलकों की इंट्रियाँ होती हैं और वो मुदाखलत करते हमारे फ़ैसलों में। क्या ख्याल है अटॉर्नी जनरल, ये जो हम अपने फैसले देते थे, एक बंदे को ज़मानत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, बाहर 3 MPO के सहारा लेकर उन्हें उठा लिया जाता था, ये क्या था? तब हमारे फ़ैसलों की तौकीर कहाँ गई? यानी कि हमारे फ़ैसलों को आप क्रास लगाकर आप 3 MPO का सहारा लेकर बंदे को फिर उठा देते थे। एक केस में वो बाहर निकलता है ज़मानत लेके, आप उसको फिर उठा लेते थे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा था, कौन कर रहा था? सबको पता है कि कौन कर रहा है, लेकिन हमने सिर्फ रेत में सर दबाने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी कि कुछ भी नहीं हुआ।
यकीन करें जैसे 70 मिनल्ला ने इनको हिला के रख दिया और काजी मजबूर हो कि इस बात को कहने के ऊपर, पहले तो उसने तारीख लंबी दे दी, 29 अप्रैल तक इसको मुलतवी कर दिया समाअत को ही, और उसमें वाज़ इंदिया ये दिया कि जजेस कुछ बाहर हैं ईद के सिलसिले में, तो जो ही ईद के बाद हम इसको लार्जर बेंच यानी कि फुल कोर्ट बेंच, सॉरी लार्जर नहीं फुल कोर्ट बेंच बनाकर हम इसको सुनेंगे और ये आगे सिलसिला चलेगा। अब देखते हैं कि फुल कोर्ट बनता है कि नहीं ईद के बाद, लेकिन तारीख उन्होंने लंबी दे दी और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम डे बाई डे सुनकर इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म की पज़ीर लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब रेशमा के बाद एक और एंट्री हो गई है, पता नहीं उसका कोई अजीब सा नाम है, उसके नाम से लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ख़त भेजे गए, वही पैटर्न जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजों को मिला, वही जो काजी फैज इसहाक तक भी पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये ख़त पहुँचे, उधर से हेयरिंग चल रही है और उधर से ये ख़तों वाला कट्टा भी खुल रहा है, यानी कि ये कोई आम बात नहीं है, ये इसका मतलब है बहुत सीरियस मामला है, ये सब तक बात पहुंचाकर अब किसी भी जज के ऊपर अटैक हो जाए, किसी की जान ख़तरे में आ जाए, ताकि ये कामन लगे कि अच्छा जी देखो ना सब कोई खत आए थे, ये कहानी है। इसलिए इन बातों के ऊपर ख्याल करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये इधर आसानी से रुकने वाली नहीं है। साइफर केस के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, उसकी माजरत, अब थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, मैं तो पूरी डिटेल आपको नहीं दे सका, उसमें इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। अब जो आखिरी ख़बर है वो है हमाद अज़हर के बारे में, हमाद अज़हर की वापसी हुई है, एंट्री हुई है और उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ही धमाके खास कॉन्फ्रेंस की, और ने कहा मुझे इस बात की सज़ा दी गई कि मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा, इसलिए मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे घर में धमकियाँ दी गई, मार धाड़ की गई और पकड़ धकड़ की गई, लेकिन मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, ना कल छोड़ा था ना आज छोड़ूंगा, अब जो कुछ करना है कर ले, मैं सामने आ गया हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों ज़मानत ले ली थी सारे केसेस के अंदर ताकि वो सरेंडर करें और अदालतों में उनको फेस करें और अपने केसेस को मंथ के अंजाम तक पहुँचाएँ। तो हमाद अज़हर की वापसी एंट्री होगी, अब पंजाब में ज़्यादा एक्टिविटी होगी, पीटीआई इस टाइम मुतहरक है, लेकिन जो साइफर केस के बारे के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कल हुआ वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली ब्लॉग में बताता हूँ। अब तक लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अपने चैनल का भी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।